विधानसभा का अहम दिन, सदन में समान नागरिक संहिता बिल होगा पेश। यूसीसी बिल पेश करने के लिए सरकार दरअसल तैयार है। धामी सरकार ने विपक्ष से समर्थन मांगा है। यूसीसी पर सीएम धामी का बड़ा बयान भी सामने आया। यूसीसी लंबे समय से प्रतीक्षित है, विपक्ष यूसीसी बिल का समर्थन करे। और पूरे देश में उत्तराखंड पर पूरे देश की नजर है, पूरा देश उत्तराखंड की तरफ देख रहा है। समान नागरिक संहिता यूसीसी, जिसकी लंबे समय से हम सबको प्रतीक्षा थी, प्रदेशवासियों को इसका इंतजार था, और हमारे 125 करोड़ केवल उत्तराखंड के लोग ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोग इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उत्तराखंड की विधानसभा में ये कब आएगा, कब पारित होगा। तो बहुत जल्दी हमारी सबकी जो प्रतीक्षा है वो समाप्त हो रही है, और कल इसको हम लोग विधानसभा में प्रस्तुत करेंगे और आगे जो विधेयक के रूप में जो औपचारिकताएं होती हैं, चर्चा होती है, वो सभी चर्चा होगी। मेरा जो हमारे अन्य दलों के भी साथी हैं उन सब से भी अनुरोध रहेगा, क्योंकि पूरा देश इस समय उत्तराखंड को देख रहा है और एक ये युगांतकारी समय है उत्तराखंड के लिए। पूरी देश की नजर हमारी तरफ है कि ये बिल किस प्रकार से आता है, किस प्रकार की यहाँ चर्चा होती है। सभी लोग सकारात्मक रूप से चर्चा में भाग लें। और चलिए ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि क्या है यूसीसी, समान नागरिक संहिता यूसीसी कानून है। कानून का मतलब सभी को समान अधिकार दिलवाना है। देश में सभी धर्मों समुदायों को समान अधिकार, ये संहिता संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत आती है। और अनुच्छेद 44 की बात करें तो राज्य सरकार के लिए ये प्रावधान दरअसल होता है। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे, देखिए किस तरीके से ये यूसीसी का जो कानून है ये कहीं ना कहीं समान अधिकार दिलाने को लेकर किया गया है। और खबर पर जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता धनराज गर्ग जुड़ गए हैं। धनराज, क्या जानकारी फिलहाल, किस तरीके से हलचल? जी बिल्कुल, देखिए जिस घड़ी का सभी को इंतजार था, यानी कि उत्तराखंड को ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोगों को इसका इंतजार था कि उत्तराखंड में कब यूसीसी आएगा, और आज देखिएगा कि वो घड़ी कहीं ना कहीं समाप्त होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आज विधानसभा के सत्र में ये बिल यानी कि यूसीसी विधेयक तो आज रखा जाएगा और उसके बाद इसको पास किया जाएगा, यानी कि अब उत्तराखंड के अंदर यूसीसी लागू हो जाएगा। और यूसीसी का मतलब कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि सभी को समान नागरिकता, समान कानून मिले, इसको लेकर यूसीसी लाया गया है, क्योंकि सभी को इसका इंतजार था और काफी समय से इंतजार था, और सभी की नजरें कहीं ना कहीं आज विधानसभा पर टिकी हुई है कि कब यूसीसी पारित होगा और क्या क्या बदलाव इसमें देखने को मिलेंगे। हालांकि ये भी देखने वाली बात होगी कि क्या क्या बदलाव इसमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो रिपोर्ट की कमेटी की वो मुख्यमंत्री को सौंपी गई थी, उसके बाद कैबिनेट में उसको लाया गया था, कैबिनेट में उसको पास किया गया, और आज वो समय आ चुका है कि जब उसको विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा और उसको